हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि जो क्लैट एग्जाम सॉरी सॉरी क्लैट नहीं कोलकाता यूनिवर्सिटी जो एग्जाम होता है उसका एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता रहा हूं। ओके, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक वीडियो बनाया था जहां पर इस बात का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया था कि इस बार जो है कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रहा है। ओके, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि यहाँ पे ये फेक न्यूज़ है, इस तरह का फेक न्यूज़ फैला रहे हैं इस तरह का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए सिर्फ बीए एलएलबी एडमिशन के लिए बस नहीं है, और भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जो अदर अदर कोर्स के लिए उनका भी नहीं हो रहा है एंट्रेंस एग्जाम। ओके, लेकिन आपका मेरिट बेसिस पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो बेसिकली उसका अप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो वो सारी डेट जो अभी तक नहीं आया है तो वो सारे मिल जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, कि हमारे कोलकाता यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्जाम जो एलिजिबिलिटीज है कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि देखिए कि यहाँ पर बी एल एल बी और एल एम के लिए दोनों की बात करूंगा मैं। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल आता है एज के बारे में, तो कौन से एज के व्यक्ति जो हैं वो एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो सब जानकारी के लिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई एज लिमिट नहीं है भाई साहब, आपको जब पढ़ना है आप पढ़ लो, लेकिन क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए वो है कि आपका 12 पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप बी एल एल बी कोर्स कर सकते हैं। ओके ना, उसके बाद अगर एल एल एम में आपका एडमिशन लेना है तो उसके लिए तो पास बैचलर ऑफ लॉ, तो उसके लिए एल एल बी आपका 5 ईयर्स या 5 ईयर्स या 3 ईयर्स एल एल बी कम्प्लीट होना चाहिए एल एल एम करने के लिए साहब। तो ये क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट कुछ भी नहीं है बच्चा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ऐसा कि मार्क्स इन क्वालिफिकेशन एग्जाम, तो आपका जो है एक बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि मार्क्स आप कितना लाओगे। ओके, कि आपका 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए, आपका एल एल बी में कितना मार्क्स होना चाहिए। तो जब परसेंटेज जो है आप देख सकते हैं मिनिमम 45% इन द इज बेस्ट फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, 45% होगा आपका सब्जेक्ट के लिए सर, जैसे कि अदर कैटेगरी के 45% मिनिमम 45 होना चाहिए सबके लिए। ओके ना, और 40% जो आपके होना चाहिए वो जो फोर्थ कैटेगरी के लिए होगा वो होगा ST SC OBC, ठीक है ना, ये जो है OBC PWD। तो देखिए 45% जो जनरल के लिए हो जाएगा। ओके ना, और बाकी जो 40% जितने भी आएंगे वो ST SC जितने भी चार कैटेगरी आप देख सकते हैं बेस्ट फोर्थ सब्जेक्ट जो चार कैटेगरी जो है उनके लिए ऐसा आता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा आप लेके आए हो, जितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन इस बार मेरिट बेसिस पर होने वाला है तो इससे में भी बदल सकता है आपका ये सारी चीज़ें। ओके ना, तो एंट्रेंस एग्जाम में तो ये होना चाहिए। आगे देखिए क्या होता है, अब बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, एडमिशन प्रोसेस 2023 के बारे में। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस जो आपका होता है ऐसा, तो वो एलिजिबिलिटी जो होगा वो देखा जाता है ऑनलाइन फिलअप एप्लीकेशन आपका होता है, ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, और इस बार तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो इसको तो मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद रिजल्ट भी आपका नहीं हो रहा है ऐसा, तो काउंसलिंग लेकिन जरूर होगा ऐसा, इसे फॉर्म भरेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर इस वेबसाइट में भी कहा गया है कि चेक द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट और ऑब्लिक दिया गया है मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन। तो ये दो ऑप्शन है इस कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पर भी क्लियर कर दिया है कि एक एंट्रेंस एग्जाम से भी ले सकता है जो कि इस बार नहीं हो रहा है। ओके, और कभी ये भी इसमें लिखा गया कि मेरिट लिस्ट पर भी आपका एडमिशन हो सकता है, और अपीयर होना आपको होगा किस चीज़ में, काउंसलिंग में आपको अपीयर होना पड़ेगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम इंडिया में होते हैं कॉलेज मेडिसिन लेने के लिए, तो उनका जो होता है फ़ी कितना होता है उसका अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है उसका फ़ी को भी आज बता देता हूँ कि कितना कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है उसका फ़ी। तो यहाँ पर उसके लिए मैं अलग वेबसाइट ले रहा हूँ, ठीक है ना, Career 360 उसका वेबसाइट का। देखिए तो जनरल कैटेगरी जो होता है उसके लिए ₹500 फी आपका लगेगा एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन फ़ी कितना ₹500, और जो भी ST SC OBC ST SC दिख रहा है PWD तो उसके लिए ₹250 लगेगा। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के तो नहीं, OBC को भी लगेगा ₹500 ऐसा। तो यहाँ पर मैं भी जब फॉर्म भरा था कोलकाता यूनिवर्सिटी का तो हम भी ₹500 दिए हुए थे। ओके ना, तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए सेम रहेगा ₹500। यहाँ पे थोड़ा सा वेबसाइट में नहीं दिखा रहा है, बट आई हैव अ नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन फी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। ओके, सो गॉट इट एवरीवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके ना, जैसे कि मैंने अभी बता दिया था आपको, इसमें भी 45% जनरल के लिए बताया था ना, तो यहाँ भी देखिए इस वेबसाइट में भी 45% जनरल के लिए है। ओके, बाकी 40% जो नीचे कैटेगरी के लिए होंगे। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिला, पर छोटा सा इन्फॉर्मेशन था बहुत बहुत, लेकिन
बहुत ही एसेंशियल था, आपको जानना बहुत जरूरी था। ऐसे एक नया अपडेट्स अभी आने वाले हैं इसी पर चैनल पर, ओके ना, जहां पर आपको बताया जाएगा कि कब इस कोलकाता यूनिवर्सिटी BA LLB की एंट्रेंस एग्जाम का आपका फॉर्म भरा जाएगा, जहां आपका मेरिट लिस्ट पर आपका एडमिशन होने वाला है। तो सारे अपडेट्स को जानने के लिए अभी से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया, नॉलेज अच्छा लगा, जानकारी पसंद आया, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े हमारे चैनल विजडम ऑफ लोके साथ। धन्यवाद, बाय बाय।